हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। हो गया तुम सबका एक और व्लॉग के अंदर, एक अनदर व्लॉग के अंदर। आज है जी वेनसडे और आज हम वेले ही हैं। आज हमें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। कल तो गाड़ी की सर्विस करवाने चले गए थे। उम्मीद है आपको कल वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और आज देखते हैं क्या करना है अभी, क्योंकि बिल्कुल आज कंटेंट का बिल्कुल नहीं पता कि आज सारा दिन क्या करेंगे। अभी मैं उठा हूँ तकरीबन 11 बजे और बाहर आके देखा है कि माशाल्लाह से यार मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। जो लोग फतेहपुर से व्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता होगा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ना क्लाउडी था। वो उधर से सूरज अभी निकलना था लेकिन अभी निकला नहीं है, वो शायद उधर बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अभी मैंने देखा है कि यार मामा भी घर पर नहीं है, शायद वो बाज़ार गई हैं, क्योंकि आगे कज़न की शादी है, शायद उसकी तैयारी करती फिर रही है मामा, उन कुछ पता नहीं है। अभी शायद मार्केट गई हुई हैं और नाश्ते का उनको बोलना था लेकिन अभी वो है नहीं है घर पे, तो शायद अभी नाश्ता खुद ही बनाना पड़े। देखते हैं ब्रेड पड़े हैं कोई तो वही फिर गर्म करके खा लेंगे, नहीं तो फिर वो भी बाज़ार से लेके आने पड़ेंगे। अभी यार आगे देखते हैं फ्रिज में ये ब्रेड पड़े हुए, इतने से तो काम नहीं चलना। अभी चलते हैं बाज़ार ब्रेड लेने के लिए, फ्रिज तो बाद में। अभी चलते हैं जी इधर पास वाली शॉप पे ब्रेड लेने के लिए, बाइक पे ही चले जाते हैं। अभी यार बाइक निकाल कर मैं बाहर आ गया हूँ, मामा भी आ गए थे घर पे, लेकिन मैंने कहा कि यार अभी बाहर से कुछ खा लेते हैं, ब्रेड लेने चलते हैं। तो अभी ये ब्रेड ले लिए हैं, छोटा छोटा पैकेट मिला है, अब इनको घर जाके फ्राई करके खाते हैं। आज आपका भाई नाश्ता खुद बनाएगा। सामान अभी रख लेते हैं इसके ऊपर, जो भी रखते हैं तवा और फ्राई पैन में तो ओवर नहीं गर्म हो गया, अभी इसके ऊपर तवा रख लेते हैं। सबसे पहले जी हम बनाएंगे अंडा, आपको मैंने बताया नहीं आपका भाई कुक भी है। यार ये मिर्चों वाला डब्बा ही खोला, इसको खोल लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने दो अंडे निकाल लिए हैं, समझ रहे हो, तो मतलब फ्रिज से। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी नमक रह गया डालने वाला, इसको खोल, बस ये खोल जाए, इसको भी पहले खोल ही लेते हैं। अभी यार मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया है, अंडे भी मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी देखते हैं जब ये ऑयल गर्म हो रहा है, नीचे से आग चल रही है ना, चल रही है, इसको भी एक तिनका डाल के देख लेते हैं ये सही हुआ है कि नहीं। अभी ऑयल गर्म हो ले फिर उसके बाद मिलते हैं। यार मेरे ना किचन का बैकग्राउंड पीछे से इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारा अंदर अच्छा खासा किचन है जो कि सही है, लेकिन मम्मा को पता नहीं ये एरिया ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर वो हो जाता है ऐसा कि अंदर से वो कहते हैं मुझे घुटनों लग जाती है, लेकिन उनको फिर ऐसा ही एरिया पसंद आता है। अभी इसके ऊपर डाल लेते हैं यार इस, हाय 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 हाय, अंडा अपना जी चला गया फ्राई इसके ऊपर तवे के ऊपर, इसको भी फैला लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए ना। अभी अंडा अपना बन चुका है सारा, अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इसी के ऊपर जी ब्रेड गर्म कर लेते हैं, निकला दो और ये पैसा वो भी चार। यहाँ पर मैं व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैंने व्लॉग बनाने लगे तो इसने जल जाना है। जी नाश्ता अपना ऑलमोस्ट बन गया, अभी इसके ऊपर जैम लगा लेते हैं हम। तो अभी जैम लग चुका है अपने ब्रेड के ऊपर और अभी इसके ऊपर रख लेते हैं हम अंडा। अभी ये तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको खाने के बाद मिलते हैं। अभी जी बच रहे हैं दोपहर के 2 और मैं जाने लगा था बाज़ार, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी सुबह से। आप लोग कह रहे हो कि यार क्या सुबह से ये खाई जा रहा है। अभी मैं अपनी शर्ट प्रेस कर रहा हूँ और फिर अभी चलते हैं शॉप पे। काफ़ी दिन हो गए हैं बाज़ार से वो नहीं खाए, स्पेशल पुलाव होता है वो नहीं खाया, अभी वो जाके खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें दोपहर में आज वही खा लेते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पर कपड़े ये मतलब शर्ट इस तरह करके। अभी जी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मुँह भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया। और अभी देखा ही यार मैंने जो हमारा घर बन रहा था साथ वो काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल हो गया है, ये देख लें आप। और देखें हमारा घर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया था यार, मैंने कहा वैसे ही खाली प्लॉट पड़ा है, मैंने कहा सोचे घर बना देते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। अब तो सच बोल दे हमारा नहीं है यार, ये किसी हमारे हमसायों का है, उनका घर बन रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। और जब ये बन जाएगा फिर दिखाएँगे आपको कि कैसा बनता है, और अल्लाह हमें भी देगा ऐसा घर जल्द इंशाल्लाह। अभी चलते हैं सीधा शॉप पे। अभी जी मैं शॉप पे पहुंचा हूँ, देखा है कि माल आया हुआ है,
ये बच्चों की वाटर बॉटल्स और उसके अलावा वो उधर लंच बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। मैं तो लगता है शॉप से नहीं जाने वाला, अभी मंगवाते हैं अपना खाना जो मैं अभी खाने आया हूँ अभी मकसद के लिए, तो अभी घर मम्मा के लिए भी लेके जाना पैक करवा के, तो वो भी लेके चलते हैं। अभी जी मैं आया हूँ कुछ अपने दोस्तों को लेके इधर, उसके साथ वालिद भी हैं, उन्होंने वेस्ट कोट और इस भाई ने कोट लेना था, अभी वो देख रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई है, बड़ा पापा। सही है, बटन बंद कर। अभी फिर अपने साथ जी गरीबों वाली हो गई है, मैंने उनको फोन किया लेकिन उनके पास ब्लॉग ही खत्म हो गए हैं। और अभी ये कौन नंबर है उनको फोन करते हैं, देखते हैं कि उनके पास होती है बिरयानी या नहीं, फिर वो उनसे मंगवा खा लेंगे वो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। अभी देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक चिकन बिरयानी भेजना फैसल शॉपिंग सेंटर से। हेलो यार, कोई सही जी भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह को ना भेजी, और कितो भेज दी। हाँ जल्दी करी। अभी जी फाइनली अपने चावल जो थे मंगवाए वो आ चुके हैं, अभी इनको खा के देखते हैं। मजेदार मजेदार। अभी जी मम्मा के लिए बिरयानी वगैरह मैंने ले ली थी, वो हिल रही है देखिए कैसे, सबसे बेचारा जलेबियाँ देखी, मेरा जलेबियाँ खाने का दिल किया, अभी जलेबियाँ मैं बनवा रहा हूँ और अभी इनको लेके चलते हैं क्या मजे से खाएं। अभी जी मैं घर पहुँच चुका हूँ, जलेबियाँ लेके और मम्मा की बिरयानी लेके, अभी ये घर जाकर मम्मा को देते हैं और जलेबियाँ सब खाते हैं, इनको भी थोड़ी सी देंगे और फिर मम्मा इनको भी देंगी, दोनों मिलके खाएंगे। अगर अबू घर हुए तो उनको भी देंगे शायद, लेकिन वो ना होंगे तो शायद नमाज पढ़ने गए हों, अभी हॉर्न बजा देंगे दरवाजा खोलने, मिलते हैं फिर। अभी जी जलेबियाँ मेरी आ चुकी हैं प्लेट में, इसलिए नहीं रखी क्योंकि प्लेट लेने जाता तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जानी, ठंडी हो जानी थी। अभी इनको टेस्ट करते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत ही आला। जी मैं सो करता देखा है हॉल में तो चिड़िया आई बैठी है हॉल में, ये सही है हमारे घर, कभी चिड़िया आ जाती है कभी गली में बकरे आ जाते हैं। अभी चलते हैं जी शॉप पे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं आके सो गया था, अभी 7 बज रहे हैं, अभी चलते हैं शॉप पे। अभी जी हम आए हैं सर जी के पास खजूरें लेने के लिए, अभी आप लोग भी कह रहे होंगे सर्दियों में गर्मियों में खजूरें कौन खाता है, हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बीपी लो रहता है हर वक्त, ये सारा उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है अभी खजूर। तो यार आज का व्लॉग होता है यहाँ पे समाप्त, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाएगा भाई का, और अभी थोड़े से सब्सक्राइबर हो गए हैं 78 हो गए, इनको जल्दी से 100 करवा दें, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं लाजमी सब्सक्राइब करना यार। और उसके अलावा आज सामान भी सारा मैंने ही रखा है, वैसे जो होता है ये चेक करें आप, इतने सारा सामान, ये सारे पैम्पर जो होते हैं इतने भारी होते हैं ना, ये बच्चों की हगीज ये इतने भारी होते हैं, हाँ ये सारा मैंने रखा है। भाई साहब भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्या सारा दिन, क्योंकि शॉप पे दो लड़के दोनों ही नहीं थे, मैं और भाई थे तकरीबन शाम को, और अभी घर चलते हैं खाना खाएँगे फिर इसके बाद रेस्ट करेंगे, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। ओके।